इस लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे और ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो ना पास्ट में कंप्लीट हुए हों और ना ही पास्ट में कंटिन्यूड हो, ऐसे जुमलों को हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और इनको ट्रांसलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हम गाड़ी में सवार हो गए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम यानी वी। वर्ब क्या है? सवार यानी बोर्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हम वी, बोर्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोर्डेड। और ऑब्जेक्ट द ट्रेन, वी बोर्डेड द ट्रेन। उन्होंने हमको तोहफा दिया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने, दे। वर्ब क्या है? दिया यानी गिव। और ऑब्जेक्ट क्या है? तोहफा, गिफ्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा उन्होंने दे, गिफ्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गेव, अस अ गिफ्ट, दे गेव अस अ गिफ्ट। हमीद ने इनाम हासिल किया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हमीद। वर्ब क्या है? हासिल यानी विन। और ऑब्जेक्ट क्या है? इनाम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हमीद विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉन अ प्राइज, हमीद वॉन अ प्राइज। लोगों ने चोर पकड़ा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लोग। वर्ब क्या है? पकड़ा यानी कैच। और ऑब्जेक्ट क्या है? चोर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द पीपल, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट द थीफ, द पीपल कॉट द थीफ। तुमने मुझे चाय पर बुलाया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। वर्ब क्या है? बुलाया यानी इनवाइट। और ऑब्जेक्ट क्या है? चाय। तो हमारा सेंटेंस बनेगा तुम, यू, इनवाइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इनवाइटेड मी टू टी, यू इनवाइटेड मी टू टी।